अगर दोस्तों आप भी अपने मोबाइल की कॉलर स्क्रीन पे फुल फोटो को सेट करना चाहते हो तो बिल्कुल सही वीडियो पे क्लिक किया है। तो यहाँ पे दोस्तों जैसा कि आप देख पा रहे होंगे मेरे फोन पे कॉल आ रही है और आपको यहाँ पे फुल स्क्रीन पे फोटो देखने को मिल जाएगा। तो अगर दोस्तों आप भी चाहते हो किसी की आपके फ़ोन पे कॉल आए उसकी फ़ोटो फुल स्क्रीन पे दिखाई दे तो बिल्कुल सही वीडियो पे क्लिक किया है। और इस वीडियो में मैं आपको एक ऐसी ट्रिक बताऊंगा जो 100% सभी कंपनी के फ़ोन में वर्क करती है, चाहे दोस्तों आपके पास ओप्पो का फ़ोन हो, वीवो का फ़ोन हो, रियलमी का फ़ोन हो। ठीक है, सबसे पहले दोस्तों आप अपने फ़ोन में यहाँ पे जो गूगल डायलर है उस पर कुछ इस तरीके से टैप एंड होल्ड करोगे। ठीक है, इसके बाद दोस्तों आपके यहाँ पे एक ऑप्शन मिलेगा ऐप इन्फो का, तो इस पर आपको क्लिक करोगे। इस पर क्लिक करने के बाद आपको यहाँ पे एक ऑप्शन मिलेगा फोर्स स्टॉप, इस पर क्लिक कर दोगे फोर्स स्टॉप। ठीक है, इसके बाद दोस्तों आप यहाँ से इसको डिसेबल कर दोगे। इस तरीके से डिसेबल करोगे तो आपके फ़ोन में पैटर्न मांग सकता है, जो भी पैटर्न है आप उसको डाल दो। इसके बाद दोस्तों आपको सिंपली बैक आ जाना है। तो यहाँ से दोस्तों आपका जो गूगल डायलर है गायब हो जाएगा। इसके बाद दोस्तों मैं आपको बताता हूँ क्या करना है। इसके लिए दोस्तों आपके एक एप्लीकेशन को डाउनलोड करना होगा जो कि प्ले स्टोर पर मिल जाएगा। वो कौन सा एप्लीकेशन है और किस तरीके से डाउनलोड करोगे वो तो मैं वीडियो के लास्ट में बताऊँगा। उससे पहले दोस्तों आप समझ लो इस एप्लीकेशन को यूज़ कैसे करना है। ठीक है, तो जैसे दोस्तों डाउनलोड करने के बाद आप इस एप्लीकेशन को ओपन करोगे तो आपके सामने कुछ इस तरीके का इंटरफेस आ जाएगा। तो आपको क्या करना है, यहाँ पे डन पे क्लिक करना है। कुछ इस तरीके से आपको यहाँ पे सेटिंग पे दो सेटिंग मिल जाएंगी। तो आपको यहाँ पे नीचे वाला ये एप्लीकेशन है इस पर क्लिक करोगे, सेट एज डिफॉल्ट पे करोगे। इसके बाद दोस्तों आपको यहाँ पे सेकंड वाली सेटिंग को डन करना है और यहाँ से डन कर दोगे। ठीक है, जैसे दोस्तों आप डन पे क्लिक करोगे तो आपको यहाँ पे एक बार अलाउ पे क्लिक करना है। अलाउ पे क्लिक करने के बाद दोस्तों आपके फ़ोन में ये जो एप्लीकेशन है ओपन हो जाएगा। तो यहाँ पे दोस्तों आपको एक सेटिंग करनी होगी, तभी दोस्तों आपके फ़ोन में जो भी कॉल आएगी उसकी फुल स्क्रीन पे फोटो दिखाई देगी। तो इसके लिए दोस्तों आपको यहाँ पे थ्री लाइन पे क्लिक करना है। इसके बाद दोस्तों आपको यहाँ पे सेटिंग पे क्लिक करना है। ठीक है, सेटिंग पे क्लिक करने के बाद दोस्तों आपको यहाँ पे कई सारी सेटिंग्स दिखाई देगी जैसे कि आप देख पा रहे होंगे। तो यहाँ पे आपको एक सेटिंग मिलेगी इनलार्जिंग द फोटो फ्रॉम योर कॉन्टेक्ट, इसको आपको ऑफ कर देना है। ऑफ करने के बाद दोस्तों मैं आपको दिखा देता हूँ ये जो सेटिंग्स है हो गई है और आपके फ़ोन पे आने वाली कॉलर स्क्रीन फुल स्क्रीन पे दिखाई देगी कि नहीं। ठीक है, इस वाले फ़ोन को मैं लॉक करता हूँ और मैं दूसरे वाले फ़ोन से कॉल कर देता हूँ। तो यहाँ पे दोस्तों आप देख पा रहे होंगे मेरे फ़ोन पे फुल स्क्रीन पे फोटो सेट हो गई है। अब दोस्तों किसी की भी कॉल आएगी तो फुल स्क्रीन पे ही फोटो दिखाई देगी। अभी दोस्तों आपको एक और काम करना है, आपने जो भी एप्लीकेशन डाउनलोड करा है जैसे कि मैंने अभी ये एप्लीकेशन डाउनलोड किया है तो आपको कुछ इस तरीके से टैप एंड होल्ड करना है और आपको यहाँ पे पेस्ट कर देना है। पेस्ट करने के बाद दोस्तों आप जब भी कोई नंबर डायल करोगे या फिर किसी भी फोन लगाओगे तो आप यहीं से नंबर को लगा सकते हो। ठीक है, अब दोस्तों मैं आपको बता देता हूँ वो कौन सा एप्लीकेशन है और किस तरीके से डाउनलोड करोगे। ठीक है, तो आपको क्या करना है, अपने मोबाइल में प्ले स्टोर को ओपन करना है और प्ले स्टोर को ओपन करने के बाद दोस्तों आपको यही वाला एप्लीकेशन डाउनलोड करना है क्योंकि दोस्तों इसी वाले एप्लीकेशन को मैंने बताया है। ठीक है, अगर दोस्तों आपको इस डायलर में कोई भी प्रॉब्लम आती है तो आप इस डायलर को हटा देना, आप फिर से आप अपने गूगल डायलर को इनेबल कर सकते हो। बाकी का दोस्तों ये वीडियो आपको कैसा लगा कमेंट करके जरूर से बताना। वीडियो पसंद आया हो तो वीडियो को लाइक करना। ऐसी और इंटरेस्टिंग वीडियो को देखने के लिए चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को जरूर से प्रेस करें। बाय।